वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत कौमी दाखिली सलामती कमेटी का इजलास, वज़ीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीरे खजाना असद उमर, शहरयार अफरीदी शरीक। इजलास में DGISI और DGIB भी शरीक। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल, कौमी दाखिली सलामती कमेटी इजलास में ATF की सिफारिशात का जायजा। इजलास में मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत कबलस गिरफ्तारी का मामला, आसिफ जरदारी, फरियाद तारपुर की कबलस गिरफ्तारी दरख्वास्त से जमानत मंजूर, 10-10 लाख के मचलकों के इवज जमानत मंजूर की गई। आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर की जमानत 10 अप्रैल तक मंजूर। लोग समझते हैं 50 लाख घर सियासी नारा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ घरों की कमी है, मकानों की कमी के बायस 50 लाख घरों का वादा किया, हाउसिंग मंसूबे से 40 संते वाबस्ता होंगी। वज़ीर-ए-आज़म का बैन अल-अक़वामी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले प्रोग्राम का मकसद निचले तबके के अफराद को अपना घर देना है, लोग टैक्स नहीं देते लेकिन चंदा देने में सबसे आगे हैं। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की सऊदी वज़ीर सकाफत से मुलाकात, दोनों ब्रादर इस्लामी मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात सकाफती अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तला'आत ने सऊदी वजीर को इमरान खान के सकाफत के शोबे से मुतल्लक विजन से आगाह किया। सऊदी वज़ीर सकाफत शहजादा बद्र कहते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात आजमूदा हैं, वज़ीर आज़म की पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने की जाने वाली कोशिशों को सराहते हैं। कोर हेडक्वार्टर लाहौर में तकरीब का इनेकाद, ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान मेहमान खसूसी थे, शहदा के अहल खानों और गाजियों को अवार्ड से नवाजा गया, 23 अफसरान को सितारे इम्तियाज, 48 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 15 सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया, शहदा के अवार्ड उनके अहल खाना ने वसूल किए। पुलवामा वाके पर भारतीय डोजियर से मुतालिक तफसीलात जारी, तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय डोजियर 91 सफात और 6 हिस्सों पर मुश्तमिल था। भारतीय डोजियर के 6 में से 2 हिस्से पुलवामा वाके से मुतालिक थे, पाकिस्तान सिर्फ पुलवामा वाके पर फोकस कर रहा है। फराहम करदा मालूमात का तमाम पहलुओं से जायजा लिया गया। कलदम जमात के 90 अफराद और मोबीना तरबीती कैंप्स के 22 मकामात की फरिस्त का जायजा लिया गया। भारत ने 22 मकामात की निशानदेही की लेकिन कोई तरबीती कैंप नहीं मिला। तहकीकात के लिए भारत को मजीद दस्तावेजात और मालूमात फराहम करना होंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, मज़ीद बाख़बर रहने के लिए देखते रहें रोज़ न्यूज़।